शादी की पार्टी हो, त्योहार का मौका हो या कोई दूसरा समारोह हो, सजावट के लिए सबकी पहली पसंद फूल ही होते हैं। फूल घरों की साज सज्जा को बढ़ा देते हैं। लेकिन आपने कभी ख्याल किया है कि जिन फूलों से आप घरों को सजाते हैं, उन फूलों को खूबसूरत बनाने वाले रंग कहां से और कैसे आते हैं? इसके पीछे कुछ रसायन काम करते हैं जो फूलों के रंगों को तय करते हैं। कौन से हैं वो रसायन? फूलों का रंग तय होता है उनमें पाए जाने वाले कुछ खास रसायनों की वजह से, जिनमें से सबसे कॉमन रसायन है एंथोसाइनिन। फूलों में पाए जाने वाला एंथोसाइनिन नाम का ये पिगमेंट अलग अलग शेड्स का होता है। इसके कई कलर रेंज हैं, जैसे सफेद से लाल, लाल से नीला, नीले से पीला, पीले से बैंगनी, बैंगनी से काला और काले से भूरा। लेकिन पत्तियों को लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें पाए जाने वाला हरा रंग पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण आता है। और क्या वजह है? कैरोटेनॉइड नाम का एक और रसायन है जो फूलों के रंगों के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ये पिगमेंट केवल कुछ खास रंगों जैसे लाल, पीला और नारंगी रंग के लिए ही उत्तरदायी होता है। आपको बता दें कि इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से फूलों में रंग आता है। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें एंथ्रोसाइनिन और कैरोटेनॉइड दोनों ही पाया जाता है। इसके साथ ही फूलों के रंगों पर कुछ बाहरी फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, वातावरण का तापमान और मिट्टी का पीएच। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो उनके रंगों को प्रभावित करते हैं। बस इतना ही नहीं, प्रकृति में ऐसे कई और पिगमेंट्स मौजूद हैं जो पेड़ पौधों के रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं।